रॉयल नंबर 2023 में हारने के बाद अलेक्सा ब्लिस के डिलीवरी स्टेटस को लेकर एक अपडेट सामने आया है। तो पीडब्ल्यू इंसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलेक्सा ब्लिस डिलीवरी से ब्रेक ले रही है, हालांकि ये पता नहीं है कि वो कब तक ब्रेक पर रहेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा कि अलेक्सा ब्लिस का ब्रेक पर जाना ये इंजरी से रिलेटेड नहीं है, रॉयल नंबर से पहले ही पता चल गया था कि वो कुछ समय के लिए ब्रेक पर जा रही है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कहा जा रहा था कि रेसलमैनिया 39 में ब्रॉक लेसनर का मैच गुंथर के साथ होगा, हालांकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मैच की उम्मीद नहीं है। तो डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच की अभी उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर के लिए कुछ अलग प्लान तैयार किया गया है। दरअसल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने रेसलमैनिया 39 में ब्रॉक लेसनर के साथ मैच लड़ने के लिए मना कर दिया था। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक की ओर। कुछ हफ्ते पहले रोंडा राउजी ने स्मैकडाउन के एपिसोड में अपनी चैंपियनशिप हारी थी, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोंडा राउजी से चैंपियनशिप क्यों छीनी इसका कारण सामने आया है। तो डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोंडा राउजी खुद स्मैकडाउन वीमेन चैंपियनशिप हारना चाहती थी। इसके पीछे का कारण ये है कि रोंडा राउजी शीना बेजलर के साथ वीमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है। तो इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते देखने के लिए धन्यवाद।